पढ़ना है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और इस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पे आपका रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम है। फिर नेक्स्ट मॉडल आते हैं, इन्हीं के स्टूडेंट थे आपके नील्स बोर, तो नील्स बोर बोर मॉडल आएगा। उसके बाद एनर्जी लेवल्स और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो इतने टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं इस चैप्टर में, छोटा चैप्टर है। तो फर्स्ट इज द रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उन्होंने बहुत ही वेरी थिन गोल्ड फॉइल लिया का एटम लिया उन्होंने, और उन्होंने बम्बरेट कराया इस पे अल्फा पार्टिकल। जब अल्फा पार्टिकल को इस पे बम्बरेट कराते हैं तो उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस वहां पे देखी। तो रदरफोर्ड ने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि उन्हें अल्फा पार्टिकल्स को फॉल कराया गोल्ड फाइल पे, वेरी थिन गोल्ड फाइल पे, और उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस देखा। उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशंस देखा कि जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल हैं वो विदाउट डेविएशन सीधे निकल जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फाइल विदाउट डेविएशन, और जैसे ये आपके देखो विदाउट डेविएशन आपके निकल जा रहे हैं। कुछ आपके अल्फा पार्टिकल्स कुछ स्मॉल एंगल पे डेविएट कर रहे हैं, कुछ आपके अल्फा पार्टिकल्स जिनके नंबर्स बहुत कम है वो आपके मोर देन 90 डिग्री, देखो मोर देन 90 डिग्री पे उनका डिफ्लेक्शन हो रहा है। और 1 मिलियन में से केवल 1 अल्फा पार्टिकल कुछ ऐसे हैं जो अपने पाथ को रिट्रेस कर रहे हैं। क्या क्या ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा? उन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट डेविएशन। ऑब्जर्वेशंस फर्स्ट, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल most of the alpha particles pass through the good morning gold foil without deviation। Some of the alpha particle, second observation क्या था, some of the alpha particle pass through small angles। Few 1 in 1000
पास थ्रू एट एंगल मोर देन 90 डिग्री, पास थ्रू एट एन एंगल मोर देन 90 डिग्री एंड वन इन मिलियन रिट्रेसेस इट्स पाथ। तो उन्होंने क्या किया कि अल्फा पार्टिकल को फॉल कराया वेरी थिन गोल्ड फॉइल पे, जिसपे आपके एटम्स की सिंगल लेयर है, तो उस पर उन्होंने जो फॉल कराया तो उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस देखा। उन्होंने ऑब्जर्वेशंस क्या था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट डेविएशन, कोई भी उनका डेविएशन नहीं हो, सीधे निकल जा रहे हैं आपके गोल्ड फॉइल में से। और सम ऑफ द आउटकम पार्टिकल पास थ्रू द स्मॉल एंगल्स, स्मॉल एंगल का डेविएशन हो रहा है, और सम ऑफ द देम 1 in 1000 का क्या हो रहा है, मोर देन 90 डिग्री डेविएशन हो रहा है, और फ्यू 1 in 1,000,000 रिट्रेसेस इस पाथ, जिस पाथ पे जा रहा था उसी पाथ पे वापस आ रहा है, मतलब 180 डिग्री का डेविएशन हो रहा है। लेकिन जिनका 180 डिग्री का डेविएशन हो रहा है उनके नंबर्स क्या है ऐसे अल्फा पार्टिकल्स के, बहुत ही कम है, वेरी फ्यू। तो ये था आपका अल्फा स्कैटरिंग रदरफोर्स, अल्फा स्कैटरिंग मॉडल, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, और उस एक्सपेरिमेंट के ये सारे ऑब्जर्वेशन थे। तो इन ऑब्जर्वेशन पे उन्होंने कुछ कंक्लूजन्स निकाले, और उन कंक्लूजन्स को ही हम बोलते हैं आपके रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो उसके पहले यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट एंगल थीटा इज गिवन बाई एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/sin^4θ/2। आपको याद नहीं करने, ऐसे गिवन है कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट एंगल थीटा, एक रिलेशनशिप है कि एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है 1/sin^4θ/2। थीटा इज द स्कैटर्ड एंगल and is the number of alpha particles. और इसी से रिलेटेड एक टर्म है आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो देखो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है कि ये आपकी गोल्ड फॉइल थी, तो हमें पता है कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं अपने पाथ को रिट्रेस करते हैं, और जो इसका सेंटर पॉइंट है एटम का उससे एक मिनिमम डिस्टेंस तक ये रीच कर जाते हैं। तो इस मिनिमम डिस्टेंस को ही हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है कि द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एटम अप टू व्हिच अल्फा पार्टिकल कैन गो इज कॉल्ड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो वो मिनिमम डिस्टेंस सेंटर ऑफ द एटम से जहां पे जहां तक अल्फा पार्टिकल आपका जाके वापस आता है, तो उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल। ठीक है, उसी ऑब्जर्वेशन से तो अब इस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को हम कैलकुलेट करेंगे, लेट द एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड इज जेड, तो यहाँ पे चार्ज कितना बन जाएगा, जेड इंटू ई। हमें बात पता है कि उस अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स रहते हैं, और प्रोटॉन पे आपका होता है पॉजिटिव चार्ज, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, तो नंबर ऑफ चार्ज हो जाएगा जेड इंटू ई। अब जो हम अल्फा पार्टिकल को यहाँ पे हमने एनर्जी दी, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से
अंगेज द रिपल्सन, न्यूक्लियस क्या करेगा, अल्फा पार्टिकल पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है तो अल्फा पार्टिकल पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, लेकिन हमने उसको काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, इसलिए जब तक इसकी काइनेटिक एनर्जी टोटल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं हो जाती तब तक वो आपका ट्रेवल करता रहेगा, और जैसे ही टोटल एनर्जी उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी वहां से वो आपका रिटर्न आना स्टार्ट कर जाएगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमने किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में वो इसलिए जाता है क्योंकि उसको हमने इनिशियली काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से अपवर्ड मोशन करेगा और उसकी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होती रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी में, और जिस पॉइंट पे उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी टोटल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी वहीं से वो रिटर्न करना स्टार्ट हो जाता है। तो सेम चीज यहाँ भी है, यहाँ वहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है आपका, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल को जो हम काइनेटिक एनर्जी दिए हैं किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब पूरा कन्वर्ट हो जाएगा तो वहां से वो रिटर्न आना स्टार्ट हो जाता है। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की डिफिनेशन है द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एटम, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एटम अप टू व्हिच अल्फा पार्टिकल कैन गो इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो इस मिनिमम डिस्टेंस को हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और एट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट क्लोजेस्ट अप्रोच। काइनेटिक एनर्जी of alpha particle is equal to electrostatic potential energy of alpha particle एंड न्यूक्लियस सिस्टम। देखो पोटेंशियल एनर्जी एक सिस्टम की रहती है, तो काइनेटिक एनर्जी लेट कर लो के हमने गिवन किया अल्फा पार्टिकल को, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है 1/4πε0q1z(e)q2 2 × e। अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज होता है 2 × e का, और न्यूक्लियस पे चार्ज होगा z(e) का अपॉन डिस्टेंस, तो कितना डिस्टेंस है r0, तो यहां से आर नॉट निकल आएगा 1/4πε0 2 × ze² / k। k इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। तो रदर्स फोर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो हमने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया उसी के बेसिस पर रदरफोर्ड ने आपके एक मॉडल दिया जिसे हम बोलते हैं रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल।
तो इस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द एटम विदाउट डेविएशन, तो इट मींस मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज वैकेंट एम्प्टी, तो बहुत सारा स्पेस उसका क्या है, खाली है एटम का। तो इस पहले वाले ऑब्जर्वेशन से रिजल्ट निकाला कि मोस्ट ऑफ द most of the part of atom is vacant or empty। और उन्होंने बोला कि total mass of the atom concentrated एट द सेंटर नोन एज न्यूक्लियस ऑफ द एटम, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज 1/ टाइम्स द साइज ऑफ एटम। तो बहुत ही छोटे स्पेस में आपका टोटल मास सेंटर पे कंसंट्रेटेड रहता है, और उस कंसंट्रेटेड पार्ट को हम बोलते हैं न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का जो साइज होता है बहुत ही कम होता है एज कंपेयर टू द एटम। तो साइज ऑफ एटम होता है आपका 10^-10 मीटर, एंड साइज ऑफ द न्यूक्लियस आपका होता है 10^-15 मीटर के ऑर्डर का। क्योंकि अल्फा पार्टिकल पे आपका रिपल्सिव फोर्स लगा था जब हमने वहां पे एक्सपेरिमेंट किया था, तो रिपल्सिव फोर्स तभी लगेगा जब आपका सेंट्रल पार्ट कैसा हो, पॉजिटिव हो। तो यहाँ पे बोल सकते हैं न्यूक्लियस एज अ पॉजिटिव चार्ज। तो इन्होंने अपना कंक्लूजन दिया अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज वैकेंट और एम्प्टी, और टोटल मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड एट वेरी अ टाइनी स्पेस, एंड दिस स्पेस इज नोन एज अ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस हैज अ पॉजिटिव चार्ज। और इन्होंने बताया द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट्स। ये आपका है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी थी, इनकी लिमिटेशंस क्या थी कि इन्होंने डिफाइन नहीं किया था कि इलेक्ट्रॉन्स आपके किस ऑर्बिट में और कहां पे रोटेट करेंगे। तो उन्होंने ऑर्बिट्स को डिफाइन नहीं किया था, प्लस और इसकी लिमिटेशंस क्या थी, इन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट। अब कोई भी चीज अगर सर्कुलर मोशन आपका कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन अगर कर रहा है तो उसमें एक्सलरेशन है, और जब हम मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है कि कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज है तो रेडिएशन रिलीज करता है, मतलब एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है। अगर वो आपका एनर्जी रिलीज करता है तो उसकी एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए, और एक टाइम के बाद उसको
न्यूक्लियस में फॉल कर देना चाहिए, मतलब इनस्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। लेकिन ऐसा नहीं होता, आपका न्यूक्लियस स्टेबल रहता है, जो मैंने स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया था। तो इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ द एटम। लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो पहला इन्होंने कहा इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग सर्कुलर ऑर्बिट में आपका रोटेट कर, सर्कुलर ऑर्बिट में आपका मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, अगर सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उसके पास एक्सेलरेशन होगा एंड एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी। तो मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी एनर्जी आपका रेडिएट करनी चाहिए, तो जिससे क्या होगा कि अगर इस ऑर्बिट पे घूम रहा है तो फिर ए ऑर्बिट आपका क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा, जैसे जैसे एनर्जी आपकी कम होती जाएगी और एक टाइम के बाद वो न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा। लेकिन आपका न्यूक्लियस क्या होता है, स्टेबल रहता है, तो वहां पे एटम आपका स्टेबल होता है। तो स्टेबिलिटी को इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जिसको आगे चल के नील्स बोर एक्सप्लेन करेंगे। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ डिस्क्रीट लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। स्पेक्ट्रम देखो क्या होता है, आपको बताएंगे कि जब कोई भी, जैसे हायर ऑर्बिट है और हायर ऑर्बिट से जब भी इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट में आएगा तो यहाँ की एनर्जी हाई है और यहाँ की एनर्जी लो है। तो जब भी हाई एनर्जी से लो एनर्जी लेवल में कोई इलेक्ट्रॉन फॉल करके आएगा तो इस एनर्जी डिफरेंस के इक्वल आपका फोटोन इमिट करेगा, एक फोटोन इमिट करेगा जिसकी एनर्जी इन दोनों एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल होगी। मतलब वहां पे एक हमें वेव मिलेगी, वेव फ्लेट क्या मिलेगा, वेव लेंथ। तो अब डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है कि जो हमें स्पेक्ट्रम मिलता है वो डिस्क्रीट मैनर में मिलता है, जैसे 1 मिला, फिर 3 मिला, फिर 5 मिला, फिर 7 मिला, फिर 9, मतलब कि 2 मिसिंग है यहाँ से, 4 मिसिंग है, 6 मिसिंग है, 8 मिसिंग है, इस तरीके से हमें स्पेक्ट्रम, मतलब हर एक पॉसिबल वेवलेंथ हमें नहीं मिलती है। अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड कि आपके सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स, तो हर एक पॉसिबल ऑर्बिट्स में होते हैं, मतलब कि उनको कोई भी पोजीशन नहीं बताए थे कि कहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सो ऑर्बिट की पोजीशन को डिफाइन नहीं किया था। तो उनके अकॉर्डिंग हर एक ऑर्बिट में आपके इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, अगर हर एक ऑर्बिट में हो सकते हैं तो हमें हर एक पॉसिबल वेवलेंथ मिल सकती है, मतलब हमें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, अगर हर जगह इलेक्ट्रॉन्स आपके हैं तो इलेक्ट्रॉन जब फॉल करके आएंगे तो हमें हर एक पॉसिबल वेवलेंथ मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी हमें पता है नील्स बोर एटॉमिक मॉडल से, क्योंकि जो ऑर्बिट्स हैं वो आपके डिफिनिट है उसकी पोजीशंस, इसलिए हमें जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो स्पेक्ट्रम कैसा मिलेगा, हमें डिस्क्रीट मैनर में मिलता है। तो डिस्क्रीट मैनर में जो स्पेक्ट्रम हमें मिलता है उसको एक्सप्लेन आपका नहीं कर पाता रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, प्लस वो स्टेबिलिटी ऑफ द एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो इन दोनों प्रॉब्लम को आप सॉल्व होगा नेक्स्ट वाले मॉडल में, जो नेक्स्ट आपका मॉडल है बोर्स एटॉमिक मॉडल, और नील्स बोर कहते हैं इनके स्टूडेंट भी थे, रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे। तो जब रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग मॉडल हुआ था
तो उसमें आपके नील्स बोर भी इन्वॉल्व थे साथ में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसके आगे से।